अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हैं, मैं और मेरी बेगम दोनों। तो हमने कहा चलें आपके साथ भी हम अपनी लॉन्ग ड्राइव शेयर करते हैं। पहले हमने अपनी गाड़ी का टैंक गैस से फिल करवाया है और उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले। आज का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, हल्की हल्की हवा चल रही है और ठंड भी काफ़ी है, बादल हुए में है। सुबह तो ड्रिजलिंग हो रही थी और शाम में फिर प्रिडिक्शन है कि भाई बारिश होगी। अब 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और सर्दी भी बहुत हो गई है। अभी 3-4 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और सुबह जब हम जागे हैं तो हर चीज़ वाइट हुई हुई थी, फ्रॉस्टिंग हुई हुई थी। बहुत अच्छा लगता है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुबह दोपहर का वक्त हो रहा है, तकरीबन 3 बजे में है दोपहर के, और इस वक्त जो टेम्परेचर हुआ हुआ है यहाँ पर 47 हुआ हुआ है, तो अच्छी खासी ठंड है। गर्मियों में ये पहाड़ बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, लेकिन आजकल मौसम अच्छा है, सर्दियां हैं और बारिशें हो रही हैं, तो ये बिल्कुल सरसब्ज़ और शादाब हुए हुए हैं। जब हम लोग फ्री होते हैं तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं।
बच्चा खड़ा हुआ फ्लावर बुके वगैरह बेच रहा है। मोस्टली जगहों पर इंटरसेक्शन पर वीकेंड पर और जब कोई ऐसा ओकेजन हो लाइक थैंक गिविंग वैलेंटाइन डे या कोई भी ऐसा ओकेजन हो तो अक्सर इंटरसेक्शन पर लोग खड़े हुए बुके वगैरह सेल कर रहे होते हैं। जैसे ये स्कूल क्रॉसिंग पे स्कूल गार्ड खड़ा हुआ है तो यहाँ पर स्पीड 25 है, अगर मोर देन दैट होगी तो फिर वायलेशन हो जाती है और कोई पुलिस वाला अगर सामने कहीं इधर उधर खड़ा हुआ हो तो टिकट दे देता है। और क्योंकि स्कूल के करीब है तो यहाँ पर जो स्कूल के करीब इस तरह हो और उसका टिकट होता है तो बहुत ज़्यादा टिकट देते लाइक आई मीन फाइन अच्छा ज़्यादा करते हैं। इंटरसेक्शन पे खड़े हैं क्योंकि सिग्नल रेड हुआ हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वेदर हुआ हुआ है। Thank you.